हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सेव और टमाटर की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। इसे बनाने के लिए चाहिए हमें 2 मीडियम प्याज, 10 से 12 कलियां लहसुन की, 1 छोटा इंच टुकड़ा अदरक का, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज के प्याज, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ 2 मिर्ची ली है। अब हम दिखाते हैं कुछ सूखे मसाले। यहाँ हमारे पास है 1 कटोरी गाठिया, आप चाहे तो इसे घर पे बना सकते हैं, मैंने रेडीमेड लिया है। हमारे पास यहाँ नमक है, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच हल्दी, हींग और आधा छोटा चम्मच जीरा। और अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्याज अदरक लहसुन है सबको हम काट लेंगे। यहाँ हमने अदरक लहसुन को दरदरा कूट लिया है, हरी मिर्च काट ली है, धनिया काट लिया है और टमाटर को हम कद्दूकस कर लेंगे, प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पे हमने कढ़ाई गरम कर ली है। अब हम इसमें तेल डाल देंगे, तेल आप अपनी पसंद का ले सकते हैं, आपको जो तेल पसंद हो। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। जब जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा हम इसमें राई डाल देंगे, इसके बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे। जब राई और जीरा थोड़ा चटक जाएगा तो हम इसमें हींग ऐड कर देंगे। देखिए, हमारा राई और जीरा चटकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें हींग ऐड कर देते हैं। अब हमारा ये हो गया है। इसके बाद अब हम इसमें कटे हुए तड़के का सामान डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाल दी है, हरी मिर्च को डाल के थोड़ा सा भून लेना है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं, अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो यहाँ पे आप लहसुन प्याज अवॉइड कीजिएगा। आप यहाँ पे अदरक और टमाटर डाल दीजिए तेल में। देखिए, मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया है। अब हम प्याज को चलाते हुए भून लेंगे अच्छे से। थोड़ा टाइम लगेगा, मीडियम फ्लेम पर हमें भूनना है। ज़्यादा हाई फ्लेम करके प्याज को नहीं भूनना है, वरना प्याज का टेस्ट नहीं आएगा, प्याज एकदम से जल जाएगा गर्म होके। तो देखिए, मैंने यहाँ पे प्याज को चलाते हुए भून लिया है। लगभग ये 50% हो ही गया है। थोड़ी देर और हम कर लेंगे इसका। देखिए, हमारा प्याज लगभग हो गया है, प्याज हो गया है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन को हमने जो दरदरा कूटा था वो हम मिला देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जैसे ही ये अदरक और लहसुन थोड़ा सा भुन जाएगा हम इसमें एक एक करके सारे सूखे मसाले मिलाना शुरू कर देंगे। तो देखिए, मैंने इसे एकदम अच्छे से चला लिया है और ये लगभग भुन भी रहा है। देखिए, थोड़ा ये हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके मसाले डालेंगे। पहले यहाँ पर हमने ले लिया है आधा छोटा चम्मच हल्दी, इसके बाद हमने ले लिया है आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सारे सूखे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल रही हूँ। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें अपने जो ग्रेटेड टोमेटो हैं उसे ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया है। अब इसे हमें अच्छे से पकाना है। ये अच्छे से पक जाए इसके लिए अब हम यहाँ पे टमाटरों में नमक डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, जितना आप नमक खाना पसंद करते हैं अपनी सब्जी में। देखिए, हमने यहाँ पर नमक डाल दिया है, मसाला हमारा भुन रहा है। अब मसाले को हम थोड़ा ढक के पकाएंगे अच्छे से। देखिए, मसाला हमारा भुन रहा है। देखिए, तेल धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो गया है। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में सब्जियां नहीं होती हैं तो हमारे पास ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है सब्जी। और ये सब्जी बड़ी ही चटपटी तीखी सी बनती है। आप चाहें, अगर आपको मीठा पसंद है तो आप थोड़ा बहुत इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, मैं तो नहीं डालती इसमें। देखिए, हमारा मसाला भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है।
हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया। इसमें अब हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। मसाला भी आपके घर में जो मसाला है, चाहे किचन किंग या मतलब ऐसे कोई मीट मसाला, कुछ भी आप इसमें मसाला डाल सकते हैं, उसका टेस्ट अच्छा आता है। मेरे पास गरम मसाला था, मैंने गरम मसाला डाल दिया है। देखिए हमारा मसाला बड़े अच्छे से भुन गया है। इसमें थोड़ा धनिया हम ऐड कर देंगे, हरा धनिया कटा हुआ, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें, अब क्योंकि मसाला भुन गया है तो इसमें अब हम पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपनी ग्रेवी उतनी रखिए जितनी आपको खानी हो, मैंने यहाँ पे कम ग्रेवी डाली है। देखिए थोड़ी सी कम है पानी इसमें, थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी इसमें पानी। देखिए हो गया है ये, इसे हम थोड़ी देर के लिए एक उबाल आने तक ढक देंगे, और जैसे ही अच्छे से उबल जाएगी, देखिए हमारी ग्रेवी एकदम अच्छे से रेडी हो गई है। हम इसे एक बार चलाएंगे, इसके बाद हम इसमें सेव डाल देंगे। सेव आप तभी डालिए जब आपको खाना खाना हो, सब्जी खानी हो, क्योंकि सेव पहले से डाल के छोड़ देंगे तो एकदम से सौगी गीली गीली सी हो जाएगी, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। देखिए ये सब्जी एकदम रेडी है, गर्मा गर्म आप इसको रोटियों के साथ सर्व कीजिए, और बहुत ही झटपट बन जाती है ये सब्जी, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। देखिए हमने इस पे ऊपर से धनिया डाल दिया है, और मैंने अब गैस का फ्लेम भी ऑफ कर दिया है। हमारी सब्जी रेडी है, अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए मैंने इसे निकाल लिया है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बड़ी चटपटी सी ये सब्जी बन के आती है, खट्टी और तीखी सी, और फटाफट से बन भी जाती है। देखिए सब्जी रेडी हो गई है हमारी, आप इसे एक बार ट्राई कीजिए, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत बढ़िया रेसिपी है। देखिए ऊपर से हमने सूखा नमकीन डाल के इसे गार्निश कर दिया है। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।